Assalamu alaikum. I am Dr. Nida Vaid. Today I will discuss electromyography (EMG). This lecture is the part of physical agents and electrotherapy 1 lecture series. So let's discuss EMG. Electromyography. Basically, electro means electrical, myo means muscles, graphy means graph ki form mein. So muscles ki activity electrical stimulation देने पे जो हम ग्राफ की फॉर्म में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी। और इस प्रोसीजर को जिसके ज़रिए हम कर रहे होते हैं, जिस इक्विपमेंट को हम यूज़ कर रहे होते हैं, इस पूरे प्रोसीजर को इलेक्ट्रोमायोग्राम भी कह रहे होते हैं। बेसिकली मसल्स में जब भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, उसमें ये देखने के लिए कि हमारे जो मसल्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं, सही से नहीं काम कर रहे हैं, तो हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं ताकि ये रिकॉर्ड कर सके और एनालिसिस कर सके मायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, हमारे जो मोटर यूनिट की है उसकी एक्टिविटी पता चल सके। तो मोटर यूनिट एक्टिविटी को पता चलाने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो हमें प्रोवाइड करता है एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मोटर यूनिट के स्ट्रक्चर और फंक्शन से रिलेटेड। इसके डेफिनेशन को देखें तो मसल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना EMG कहलाता है। इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा कि लीजन कहाँ है वो हमें लोकलाइज होता है, आइदर न्यूरोपैथिक है, आइदर मायोपैथिक है, आइदर न्यूरो मस्कुलर जंक्शन का इशू है, वो पता चल सकता है। जब भी हमें डायग्नोसिस करना हो वो हमें पता चल सकता है। ट्रीटमेंट को बेहतर बनाना हो उसमें हमें हेल्प मिलती है, और प्रोग्नोसिस करना हो तो हमें उसमें हेल्प मिलती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं मोटर यूनिट क्या होता है। मोटर यूनिट में एक इंटीरियर हॉर्न सेल है, एक एक्सॉन है, एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, और तमाम मसल फाइबर जो इनोवेट कर रहे हैं उस एक्सॉन से वो कहलाता है। आप ये पूरी पिक्चर देख सकते हैं। इंटीरियर हॉर्न सेल हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। जब भी हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो मोटर यूनिट के ज़रिए मसल्स तक इंफॉर्मेशन जाती है, और इसी तरह पोस्टीरियर हॉर्न सेल्स जो हैं वो भी स्पाइनल कॉर्ड में होती हैं, लेकिन वो सेंसरी इंफॉर्मेशन जा रही होती है। तो इंटीरियर हॉर्न सेल्स से मोटर नर्व निकली, उसने मसल्स को इंफॉर्मेशन दी, मसल फाइबर तक वो इंफॉर्मेशन पहुंची, और उसकी बेसिस पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। वो मसल फाइबर्स डीपोलराइजेशन होते हैं। डीपोलराइजेशन में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, जब भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है सोडियम अंदर आता है, पोटाशियम बाहर जाता है, और कैल्शियम की रिलीज होती है, जिसकी बेसिस पे एक्टिन मायोसिन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है। इसको हम डीपोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। इस डीपोलराइजेशन के प्रोसीजर को हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के थ्रू रिकॉर्ड कर रहे होते हैं EMG में। बेनिफिट्स एंड यूजेस क्या हैं मैं आपको ऑलरेडी थोड़ा सा बता चुकी हूँ। सबसे पहले हम देखें, रिहैब पर्पस में यूज़ हो रहा होता है, पोस्ट सर्जरी या एक्सीडेंट के बाद हम देख रहे होते हैं मसल्स की मोटर यूनिट की एक्टिविटी, न्यूरो रिहैब में यूज़ कर रहे होते हैं, फिजिकल थेरेपी में यूज़ कर रहे होते हैं, और एक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी, स्पोर्ट्स साइंसेस में यूज़ करते हैं, बायोमैकेनिक्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से मूवमेंट को एनालाइज करने के लिए, स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग करने के लिए स्पोर्ट्स रिहैब में यूज़ कर रहे होते हैं, मेडिकल रिसर्च में इसको यूज़ करते हैं, आइदर ऑर्थोपेडिक की हो, सर्जरी की हो, फंक्शनल न्यूरोलॉजी में हो, या गेट या पोस्चर एनालिसिस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। एर्गोनॉमिक्स में हम इसको यूज़ करते हैं, डिमांड देखने के लिए, रिस्क प्रिवेंशन से के लिए, एर्गोनॉमिक डिज़ाइन के लिए। तो EMG का बहुत ही वाइड यूज़ है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके फेजेस की बात करें तो इसके 3 फेजेस होते हैं, एक इनपुट फेज़ है, एक प्रोसेसर फेज़ है, और एक आउटपुट फेज़ है। इनपुट फेज़ में जब भी हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होता है, तो इलेक्ट्रोड के ज़रिए जो पिकअप हो रहा होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का, उसको हम कहते हैं इनपुट फेज़। प्रोसेसर फेज में अब क्या होता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, उसमें जो स्मॉल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं मसल्स के, उसको एम्पलीफाई हो रहे होते हैं प्रोसेसर फेज में। और आउटपुट फेज में देखें, वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हो रहे होते हैं विजुअल या ऑडिटरी सिग्नल्स की बेसिस पे, और ये डिस्प्ले हो रहे होते हैं और एनालाइज्ड हो रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं आउटपुट फेज। तो 3 फेजेस हैं EMG में।
इलेक्ट्रोमायोग्राफी ईएमजी हम देखें तो हम दो पर्पस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, एक क्लासिकल डायग्नोस्टिक्स और क्लिनिकल ईएमजी, दूसरा का एनेस्थोलॉजिकल ईएमजी। क्लासिकल डायग्नोस्टिक और क्लिनिकल ईएमजी देखें तो इसमें हम स्टडी कर रहे होते हैं जब भी मसल्स में, न्यूरो मस्कुलर जंक्शंस में या नर्व में डिजीज़ हो जाती है तो उसको हम स्टडी कर रहे होते हैं, और स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटी हम बेसिकली रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उसी को एनालाइज कर रहे होते हैं डिजीज़ प्रोसेस में, जिसकी बेसिस पे हमें डायग्नोसिस मिलता है। और हम इसको ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए भी यूज़ कैसे करते हैं कि जब भी हम इसको क्लिनिक में पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं उसके बाद उस ट्रीटमेंट से कितना फ़ायदा हुआ कितना फ़ायदा नहीं हुआ, तो हम इसको दोबारा से देख रहे होते हैं अपना ट्रीटमेंट कि आप जो कर रहे हैं सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, उससे पेशेंट को फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा, ये देखने के लिए आप दोबारा से ईएमजी रिकॉर्ड करते हैं। अगर एक्टिविटी बेहतर हो जाती है मसल्स की, नर्व की या न्यूरो मस्कुलर जंक्शन की, मोटर यूनिट की, तो आपको पता चल जाता है कि आपका ट्रीटमेंट सही जा रहा है और आप इसके बेसिस पे प्रोग्नोसिस भी कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं काइनेस्थोलॉजिकल ईएमजी की। जब भी न्यूरो मस्कुलर एक्टिवेशन मसल्स की आप डिफरेंट टास्क के बीच में देख रहे होते हैं, कोई पोस्चरल टास्क हो सकता है, फंक्शनल मूवमेंट हो सकती है, या वर्क कंडीशंस में या ट्रीटमेंट या ट्रेनिंग रिजीम में, वो आप चेक कर रहे होते हैं काइनेस्थोलॉजिकल ईएमजी में, यानी कि मूवमेंट्स के दौरान जो आप ईएमजी करवा रहे हैं उसको हम काइनेस्थोलॉजिकल ईएमजी में रिकॉर्ड करेंगे। इसमें हम मसल्स के फंक्शन को एग्जामिन कर रहे होते हैं और डिफरेंट टास्क के दौरान थेरेपोटिक रिजीम में देख रहे होते हैं, तो ये दोनों टाइप्स हैं जो ईएमजी की हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो मायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं, जैसे फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस होती हैं मसल्स की स्टेट की, मसल्स की यानी जब आप चेंज कर रहे होते हैं पोस्चर, उसके बेसिस पे जो वेरिएशंस हो रही होती हैं उसमें जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो भी चेंज हो जाती है, इसीलिए दोनों फॉर्म्स में ईएमजी रिकॉर्ड करते हैं। एक्शन पोटेंशियल हमेशा जो है स्केलेटल मसल फाइबर में ही जेनरेट होता है, तो आपको याद रखना चाहिए जो मसल्स की एक्टिविटी हम देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल्स हैं। अब हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें कि ईएमजी अपैरेटस में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं, तो सबसे पहले है इलेक्ट्रोड्स। जो इलेक्ट्रोड्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो हम स्किन पे अटैच करते हैं और उसके बेसिस पे एक्टिविटी चेक कर रहे होते हैं। देख, सेकंड है आपके पास एम्पलीफायर सिस्टम एंड थर्ड है आपके पास डिस्प्ले सिस्टम। क्योंकि इलेक्ट्रोड आप स्किन पे लगाते हैं, आपके पास दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड होता है एक, एनोड होता है। कैथोड हैंड हेल्थ स्टिमुलेटर होता है और एक एनोड होता है। एक आप मसल बैली पे मसल्स एक्टिविटी रिकॉर्ड करने के लिए लगा रहे होते हैं और एक इलेक्ट्रोड डिस्टल पार्ट या टेंडन पे लगाते हैं, और एक आप ग्राउंड इलेक्ट्रोड लगाते हैं जो बोनी प्रोमिनेंस पे लगा रहे होते हैं। तो ये लगा के जो एम्पलीफायर सिस्टम है वो एम्पलीफाई करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, और ये कंप्यूटर पे जो डिस्प्ले होती है उसको हम कहते हैं डिस्प्ले सिस्टम। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड्स की। इलेक्ट्रोड्स बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को पिक करने के लिए जो इनपुट फेज में हम यूज़ कर रहे होते हैं मसल्स फाइबर की कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। हमारे पास डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड हैं। नंबर वन इज सरफेस इलेक्ट्रोड, सेकंड इज निडल इलेक्ट्रोड, थर्ड इज स्पाइन वायर इन डवेलिंग इलेक्ट्रोड, फोर्थ वन इज सिंगल फाइबर नीडल इलेक्ट्रोड, फाइव इज मैक्रो इलेक्ट्रोड, सिक्स इज इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोड एंड सेवन इज मल्टी लीड इलेक्ट्रोड। अब हर इलेक्ट्रोड का जो काम होता है वो डिफरेंट होता है। जो फर्स्ट वन वाले पिक्चर है उसमें ईएमजी रिकॉर्ड हो रहा है, आपको पिक्चर्स में नजर आ रहा होगा कि डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करते हैं हम ईएमजी परफॉर्म कर रहे हैं। सरफेस इलेक्ट्रोड की बात करें तो काइनेस्थोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में हम यूज़ कर रहे होते हैं, क्लिनिकल ईएमजी में हम इतना यूज़ नहीं करते, डिफरेंट रीजंस है इसके। ये मेटल इलेक्ट्रोड होते हैं और सिल्वर क्लोराइड के इलेक्ट्रोड होते हैं ज़्यादातर, स्मॉल डिस्क इलेक्ट्रोड है। डायमीटर इसका जनरली 3 to 5 mm होता है, और क्योंकि इसको हम हमेशा लार्ज सुपरफिशल मसल्स पे या मसल्स ग्रुप टी मॉनिटरिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ये उसका हमें ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन ये अगर सिंगल मोटर यूनिट की या स्पेसिफिक स्मॉल या डीप मसल्स के जो फाइबर्स हैं उसकी एक्टिविटी को इतना रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतनी इन्फॉर्मेशन एम्पलीफाइज नहीं कर सकते या फिल्टर आउट नहीं कर सकते। ये ईएमजी के डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हैं, सरफेस इलेक्ट्रोड्स, फाइन वायर इलेक्ट्रोड्स हैं और नीडल इलेक्ट्रोड्स हैं। अब हम बात करते हैं नीडल इलेक्ट्रोड्स की। नीडल इलेक्ट्रोड्स हम स्पेसिफिकली क्लिनिकल ईएमजी के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, इसमें हमें मोटर यूनिट पोटेंशियल पता चलता है मसल्स के डिफरेंट पार्ट्स का। अब नीडल इलेक्ट्रोड्स के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, एक है कंसेंट्रिक को एक्सियल नीडल इलेक्ट्रोड जिसमें हम स्टेनलेस स्टील
कैनोला यूज़ कर रहे होते हैं, जिसके ज़रिए प्लैटिनम या सिल्वर की सिंगल वायर के ज़रिए हमें इन्फॉर्मेशन प्रोसीड हो रही होती है। ये इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज़ होते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस तक रिकॉर्ड करते हैं। देन मोनोपोलर नीडल इलेक्ट्रोड है, सिंगल पाइन नीडल इलेक्ट्रोड है, इंसुलेटेड होते हैं, सिर्फ टिप इसकी इंसुलेटेड नहीं होती। सेकंड सरफेस इलेक्ट्रोड जो है वो हम रखते हैं स्किन की जो साइट है उसके इंसर्जन पे, जो कि रेफरेंस के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं। ये पेनफुल कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू कंसेंट्रिक इलेक्ट्रोड, लेकिन इनका डायमीटर ज़्यादा स्मॉल होता है। देन है बाइपोलर नीडल इलेक्ट्रोड, इसमें कैनोला तो होता है लेकिन इसमें दो इंसुलेटेड वायर होती हैं, इसी वजह से इसको बाइपोलर नीडल इलेक्ट्रोड कह रहे होते हैं। इसकी बेयर टिप होती है, जिसकी वजह से ये दो इलेक्ट्रोड के तौर पे इसकी बेयर टिप यूज हो रही होती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कंसेंट्रिक नीडल इलेक्ट्रोड है और बाइपोलर नीडल इलेक्ट्रोड है। उसके बाद हम बात करते हैं पाइन वायर इनडवेलिंग इलेक्ट्रोड की, काइनेसोलॉजिकल स्टडी के लिए यूज कर रहे होते हैं स्मॉल या डीप मसल्स में। टू पाइन वायर इलेक्ट्रोड्स हैं, स्मॉल डायमीटर होता है इसका। देन है सिंगल फाइबर नीडल इलेक्ट्रोड, कंसेंट्रिक वायर्स होती हैं, 25 डायमीटर होता है, स्टेनलेस कैनोला होता है जो कि 0.5 mm का होता है। ये इन्फॉर्मेशन देता है मसल्स फाइबर की वेलोसिटी प्रोपेगेशन की, ये स्मॉलर एरिया पे भी रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन जो मोटर यूनिट साइज की प्रॉपर मोटर एस्टिमेशन है ये उसके लिए हम यूज़ नहीं करते हैं। न्यूरोवास्कुलर ट्रांसमिशन एबनॉर्मेलिटी या फाइबर डेंसिटी में हम सिंगल फाइबर EMG हम यूज़ कर रहे होते हैं। देन मैक्रो इलेक्ट्रोड्स हैं, इसमें कंसेंट्रिक नीडल इलेक्ट्रोड 15 mm शाफ्ट के होते हैं जो कि रिकॉर्ड करते हैं लार्ज नंबर ऑफ मोटर यूनिट एक्टिविटी को। वन मोटर यूनिट एक्टिविटी सेपरेट किया जाता है सिंगल फाइबर नीडल के जरिए और अटैच किया जाता है मैक्रो इलेक्ट्रोड। ये इन्फॉर्मेशन हमें देता है पूरे होल मोटर यूनिट की, लेकिन हम इसको पैथोलॉजिकल मोटर यूनिट स्टडी में यूज नहीं करते हैं ज़्यादातर। देन हम बात करते हैं इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोड, एज द नेम शोज इनसाइड सेल हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में हम इसको यूज़ करते हैं। एक्सट्रीमली फाइन इलेक्ट्रोड है, डायमीटर 0.5 है और एक पोटेंशियल चेंजेस रिकॉर्ड कर रहा होता है सेल की मेम्ब्रेन के अंदर। देन मल्टी नीड इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड्स की लीड्स बहुत सारी होती हैं जिसमें कॉमन स्टेनलेस कैनोला यूज हो रहा होता है, आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं। देन हम बात करते हैं ग्राउंड इलेक्ट्रोड की, ग्राउंड इलेक्ट्रोड हम क्यों यूज करते हैं, जब भी एक्स्ट्रा वॉइस होती है उसको कैंसिल आउट करने के लिए। एक्स्ट्रा वॉइस किस चीज की हो सकती है, मोबाइल फोन की हो सकती है, लाइट्स की हो सकती है, जब भी आप कोई भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उनकी हो सकती हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की हो सकती हैं, एलिवेटर्स की हो सकती हैं, ब्रॉडकास्टिंग फैसिलिटीज की हो सकती हैं, तो उस एक्स्ट्रा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल से वॉइस और वाइब्रेशन को कैंसिल आउट करने के लिए आप ग्राउंड इलेक्ट्रोड यूज कर रहे होते हैं। ग्राउंड इलेक्ट्रोड्स होता है वो मसल के ऊपर यूज नहीं होता है, वो स्किन के ऊपर अटैच किया जाता है, मोस्ट प्रोबेबली बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर। तो जब भी मायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, यानी कि मसल्स की एक्टिविटी बायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए प्रोड्यूस होती है, जब भी नर्व डीपोलराइज हो रही है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, तो जितनी एक्स्ट्रा वॉइस है उसको एम्पलीफाई किया जाता है। एम्पलीफाई यानी कि जो एक्स्ट्रा वॉइस है उसको कैंसल आउट किया जाता है, ताकि हमें जो एग्जैक्ट मसल्स की एक्टिविटी है, मसल्स की वॉइस है, वो हमें पता चल सके। एम्पलीट्यूड या हाइट ऑफ पोटेंशियल को हमेशा मेजर किया जाता है माइक्रोवोल्ट्स में, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है वोल्ट्स में। पोटेंशियल डिफरेंस और एम्पलीट्यूड जो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के साथ, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रोड का एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा। एम्पलीट्यूड ऑफ मोटर यूनिट हमेशा हाइएस्ट से लोवेस्ट की तरफ मेजर किया जाता है, यानी पीक टू पीक। अब हम बात कर रहे हैं एम्पलीफायर सिस्टम की। मोटर यूनिट एक्टिविटी चेक करने से पहले बहुत ज़रूरी है आप स्मॉल मायो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को एम्पलीफाई करें, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जो एग्जैक्ट मसल्स की मूवमेंट है, जो मसल्स की इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है जो प्रोड्यूस हुए हैं, उसको लार्ज रफ में डिस्प्ले करने में एम्पलीफाई कर रहा होता है, यानी कि जितनी एक्स्ट्रा वॉइसेज हैं वो कैंसिल आउट हो रही होती हैं और आपको वो सुनाई नहीं देती हैं, क्योंकि एम्पलीफायर जो है उसको एम्पलीफाई करता है मेन वॉइस को। अनवांटेड सिग्नल्स को रोकने के लिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज़ किया जाता है, ताकि वो एग्जैक्ट जो हमें नॉइस चाहिए जो हमें उसको इन्हांस करे, और जितनी एक्स्ट्रा वॉइसेज हैं जो हमें नहीं चाहिए उसको कैंसिल आउट करे। यह आप देख सकते हैं कि एक सरफेस इलेक्ट्रोड यूज़ हुआ हुआ है, ग्राउंड इलेक्ट्रोड यूज़ हुआ हुआ है, प्री एम्पलीफायर यूज़ हुआ, फिर एम्पलीफायर यूज़ हुआ, उसका रिकॉर्डर हुआ और EMG पे रिकॉर्ड हो रही है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की फॉर्म में।
इम्पीडेंस, इम्पीडेंस बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में जो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी होती है, जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही होती है, उसको हम कहते हैं इम्पीडेंस। अगर एम्पलीफायर का इनपुट और इलेक्ट्रोड का आउटपुट ज़्यादा होगा तो इम्पीडेंस प्रेजेंट होगी, और इम्पीडेंस डायरेक्टली रिलेटेड होती है वोल्टेज के। यानी कि अगर एम्पलीफायर की इम्पीडेंस ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रोड की इम्पीडेंस कम होगी तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, और उसके बेसिस पे जो सिग्नल्स हैं वो एक्यूरेटली ज़्यादा आपको मिल सकेंगे। इसी तरह अगर एम्पलीफायर की इम्पीडेंस जो है कम होगी और इलेक्ट्रोड की इम्पीडेंस ज़्यादा होगी तो वोल्टेज जो है वो ड्रॉप कम होगा। इम्पीडेंस डिपेंड करती है डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर, एक स्किन रेजिस्टेंस के ऊपर, इलेक्ट्रोड का जो मटीरियल है उसके ऊपर, इलेक्ट्रोड के साइज के ऊपर, लीड्स की लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। स्किन, एडिपोज टिश्यू, फैट, ब्लड, ये सब ऑफर कर रहे होते हैं रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल फील्ड में। यानी कि हमारे जो अगर फैट का अमाउंट ज़्यादा होगा उसकी बेसिस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड को रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। देन फ्रीक्वेंसी बैंड विड्थ की बात करें, EMG वेव फॉर्म एम्पलीफायर प्रोसेस करता है, उसकी बेसिस पर सिग्नल्स की फॉर्म में डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे वेरी कर रही होती है। फ्रीक्वेंसी हमेशा हर्ट्स में मेजर होती है, तो EMG सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंटर इलेक्ट्रोड सेपरेशन के। तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखें तो 10 से 500 हर्ट्ज है सरफेस इलेक्ट्रोड का, और फाइन वायर इलेक्ट्रोड का 10 से 1000 हर्ट्ज के बीच में है। इलेक्ट्रोमायोग्राफिक एग्जामिनेशन में देखें, जब भी EMG को आप एसेस करने लगते हैं तो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की इंटीग्रिटी चेक कर रहे होते हैं, जिसमें आपके पास अपर मोटर न्यूरॉन लीजन भी आ जाते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन भी आ जाते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी आ जाते हैं और मसल फाइबर भी आ जाते हैं। ये टेस्ट बेसिकली डिडक्ट कर रहा होता है एक्शन पोटेंशियल के दौरान एक ग्रुप की या डिफरेंट मसल्स के एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्शन के बीच में। पेरिफेरल नर्व लीजन भी हम इसमें कहीं ना कहीं डिडक्ट कर सकते हैं। EMG रिकॉर्डिंग टेक्निक, सबसे पहले जब भी आप EMG रिकॉर्ड करेंगे पेशेंट को बोलेंगे रिलैक्स होके बैठें, फिर उसके बाद नीडल इंसर्ट करेंगे मसल के इनसाइड में, उसी टाइम आप स्पॉन्टेनियस बर्स्ट या पोटेंशियल ऑब्जर्व करेंगे। आप जो इंसर्जन एक्टिविटी है वो ऑब्जर्व क्यों होती है, जब भी नीडल ब्रेक होती है फाइबर मेम्ब्रेन में उसकी बेसिस पे आप ऑब्जर्व करते हैं। EMG रिकॉर्डिंग में देखें तो स्वेप स्पीड 5 to 10 ms/division है, एम्पलीफिकेशन देखें तो 50 है, और स्टडिंग स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी के दौरान और 200 है जब मोटर यूनिट पोटेंशियल हो। फिल्टर सेटिंग है 20 से 10,000 हर्ट्ज के बीच में। अब नीडल इलेक्ट्रोमायोग्राफी डिफरेंट स्टेप्स पे रिकॉर्ड हो रही होती है। नंबर 1 इज इंसर्जनल एक्टिविटी, जब नीडल इंसर्ट की जाती है, उसके बाद स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी देखी जाती है, देन मोटर यूनिट पोटेंशियल जो एक्चुअल एक्टिविटी हमें देखनी होती है, देन है रिक्रूटमेंट पैटर्न। इंसर्जन एक्टिविटी की बात करें, जब भी आप नॉर्मल मसल में नीडल इंसर्ट करते हैं तो एक ब्रीफ बर्स्ट प्रोड्यूस होता है, उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्यों होती है, क्योंकि मैकेनिकल डैमेज होता है नीडल की मूवमेंट में के दौरान, और वो रहता है 0.5 से 0.10 सेकेंड तक। अगर डीनर्वेटेड मसल है तो इंसर्शनल एक्टिविटी ज़्यादा हो सकती है और मायोटोनिया में ज़्यादा हो सकती है, और पैरालिसिस में ये कम होती है। देन है स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी, जैसे ही आपने इंसर्शनल एक्टिविटी ख़त्म होती है जो नीडल इंसर्ट करने पे होती है वो ख़त्म हो, उसके कुछ सेकंड के बीच में कोई स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी नॉर्मल मसल में आपको देखने को नहीं मिलती है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल साइलेंस। अब जब भी मसल रिलैक्स स्टेट में होगा EMG एग्जामिनेशन के दौरान, जो साइलेंस आप ऑब्जर्व करेंगे उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी। अगर हम नीडल रिकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं तो एंड प्लेट पोटेंशियल मोनोफेजिक नेगेटिव वेव फॉर्म में होता है, 1000 से कम होगा, ड्यूरेशन 1 से 3 ms तक होगा। एंड प्लेट पोटेंशियल इरेगुलर बेसलाइन के जरिए हम देख रहे होते हैं, जिसको हम एंड प्लेट नॉइस भी कह रहे होते हैं। तो नॉर्मली जो स्पॉन्टेनियस एंड प्लेट एक्टिविटीज होती है, जैसे है नीडल इंट्रोड्यूस होती है उसके थोड़ी सी देर बाद, एबनॉर्मल स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल क्या होता है कि अब जो हमारा जो मसल है नॉर्मल मसल रेस्ट की स्टेट में होता है, जिसकी बेसिस पे हमें इलेक्ट्रिकल साइलेंस देखने को मिलती है। इसी दौरान कोई इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिले जब मसल रिलैक्स है, उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल।
हमारे मसल्स की वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन के दौरान नहीं होता है। इसके कुछ रीजंस हैं वो हम देख लेते हैं। नंबर वन इज़ फिब्रिलेशन पोटेंशियल है, सेकंड इज पॉजिटिव शार्प वेव्स हैं, थर्ड इज फेसिकुलेशन पोटेंशियल है एंड फोर्थ वन इज़ रिपीटेटिव डिस्चार्ज है। फिब्रिलेशन पोटेंशियल देखें तो डीनर्वेटेड मसल में हमें देखने को मिलता है, स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज होता है एसिटाइल कोलिन का। फिब्रिलेशन पोटेंशियल इंडिकेट कर रहा होता है कि कोई भी लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन हो सकता है, पेरिफेरल नर्व लीजन हो सकता है, इंटीरियर हॉर्न सेल डिजीज, रेडिकुलोपैथीज, पॉलीन्यूरोपैथीज हो सकती हैं एक्सोनल डीजनरेशन के साथ। तो अगर फिब्रिलेशन पोटेंशियल देखने को मिल रहा है तो लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज भी हो सकती है या मायोपैथिक डिजीज भी हो सकती है, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डर्मेटोमायोसाइटिस, पोलीमायोसाइटिस या मायस्थेनिया ग्रेविस। पॉजिटिव शार्प वेव्स की बात करें तो ये भी डीनोवेटेड मसल में रेस्ट के दौरान मिल रहा होता है जब फिब्रिलेशन पोटेंशियल के, और ज़्यादातर ये फिब्रिलेशन पोटेंशियल के साथ ही देखने को मिलता है। ये कब मिलेगा? जब कोई भी प्राइमरी मस्कुलर डिजीज़ हो सकती है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, पॉलीमायोसाइटिस या कभी कभी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स में भी आपको ये मिल सकती हैं। फेसिकुलेशन पोटेंशियल को देखें तो फेसिकुलेशन पोटेंशियल रैंडम मसल फाइबर या ग्रुप ऑफ मसल फाइबर की ट्विचिंग के दौरान ये मिल सकता है। ईएमजी रिकॉर्डिंग में तो विजिबल है, साथ साथ कभी कभी स्किन पे भी आपको विजिबल देखने को मिल सकता है। स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल है इरिटेशन या डीजनरेशन ऑफ इंटीरियर हॉर्न, नर्व रूट कंप्रेशन या मसल स्पाज्म या क्रैम्प्स में भी आप देख सकते हैं। बायफेजिक होती है, ट्राइफेजिक होती है या पॉलीफेजिक होती है। ये रिपीटेटिव डिस्चार्ज की बात करें तो इसको हम बेजायर हाई फ्रीक्वेंसी डिस्चार्ज भी कहते हैं। ये पोटेंशियल हमें डिफरेंट फॉर्म में मिलता है। ये इंटीरियर हॉर्न सेल लीजन हो गया, पेरिफेरल नर्व लीजन हो गया या मायोपैथीज में आपको देखने को मिल सकता है। देन हम बात करते हैं जो नॉर्मल मोटर यूनिट एक्शन पोटेंशियल हो रहा होता है, जो हमें एक्चुअल जो इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग हमें चाहिए। जब भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मसल फाइबर में जनरेट होता है, सिंगल मोटर यूनिट एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, तो उसकी बेसिस पे हमारे जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर लेते हैं। नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल 5 फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। नंबर 1 इज एम्पलीट्यूड, सेकंड इज ड्यूरेशन, थर्ड इज शेप, फोर्थ वन इज साउंड एंड फिफ्थ वन इज फ्रीक्वेंसी। नॉर्मल मसल में सिंगल मोटर यूनिट एक्शन पोटेंशियल का एम्पलीट्यूड रेंज कर रहा होता है 300 माइक्रोवोल्ट से 5 माइक्रोवोल्ट फ्रॉम पीक टू पीक, जैसे मैंने आपको बताया था कि पीक टू पीक हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। टोटल ड्यूरेशन अगर हम मेजर करें तो 3 to 16 ms होता है। शेप ऑफ मोटर यूनिट एक्शन पोटेंशियल डायफेजिक भी हो सकती है, ट्राइफेजिक भी हो सकती है, कभी कभी ये पॉलीफेजिक भी हो सकती है। इसमें साउंड जो होता है वो क्लियर होता है। मोटर यूनिट एक्टिविटी जो फायर कर रही होती है 15 टाइम पर सेकंड होता है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन के बीच में, और जब मसल रेस्ट कर रहा होता है तो आपको इलेक्ट्रिकल साइलेंस सुनने को मिलती हैं। और अगर उसी टाइम आपको इलेक्ट्रिकल साइलेंस नहीं मिल रही हैं, और अगर उसी टाइम इलेक्ट्रिकल साइलेंस के अलावा आपको कोई एक्टिविटी मिल रही है तो वो एबनॉर्मल होगी, जो रिप्रेजेंट नहीं कर रही होगी नॉर्मल वॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन को। ड्यूरेशन ऑफ मोटर यूनिट एक्शन पोटेंशियल देखें तो 5 to 15 ms से डिपेंड करता है पेशेंट की एज के ऊपर, मसल एग्जामिन के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। जैसे फेशियल नर्व की बात करें तो उसका ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होता है, 4.3 to 7.5 cm तक होता है as compared to limb muscles। अगर हम bicep brachii muscle का duration देखें तो 7.3 to 12.8 ms तक होता है, और अगर introsei muscle का देखें तो 7.9 to 14.2 ms होता है। तो हर मसल टू मसल वेरी कर रहा होता है ड्यूरेशन ऑफ मोटर यूनिट एक्शन पोटेंशियल। इसी तरह ये बच्चों में शॉर्ट होता है, अडल्ट्स में लॉन्ग होता है, और एल्डर में यानी बूढ़े लोगों में और ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा होता है इसके ड्यूरेशन पे। अगर 7 degrees कूलिंग इंक्रीज हो जाएगी 10 to 30% ड्यूरेशन ऑफ मोटर यूनिट एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह ड्यूरेशन ऑफ मोटर एक्शन पोटेंशियल मेजर करते हैं कंडक्शन वेलोसिटी, लेंथ ऑफ मसल फाइबर, मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी और सिंक्रोनसली
डिफरेंट मसल फाइबर ऑफ मोटर यूनिट पे। रिक्रूटमेंट पैटर्न देखें, जब भी मोटर यूनिट एक्शन पोटेंशियल की फायरिंग होती है तो वो कांस्टेंट रहती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट हुई, मोटर यूनिट रिक्रूट हुए तो ऑर्डर में हो रहा होता है। स्मॉलेस्ट पहले मिलेगा, उसके बाद लार्ज मिलेगा और इसके आखिर में लार्जेस्ट मिलेगा। ये पैटर्न हमेशा सेम रहता है, जो रिक्रूटमेंट पैटर्न है, और ये रिक्रूटमेंट पैटर्न हैंडमैन्स साइज प्रिंसिपल पे बेस करता है। अगर लॉस ऑफ मोटर यूनिट एक्शन पोटेंशियल होगा तो जो फायरिंग पोटेंशियल है मसल कॉन्ट्रैक्शन का आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाएगा, और अगर वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन होगा तो उसको हम कहते हैं रिड्यूस रिक्रूटमेंट। अब आप देख सकते हैं पिक्चर में, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब डॉक्टर पॉलिसस ब्रेविस को रेडी कर रहे हैं, उसमें निडल इंसर्ट कर रहे हैं फर्स्ट मेटाकार्पल के मिड पॉइंट पे। इसके बिलो पिक्चर देखें, इसमें अब डॉक्टर डिजिटी मिनिमी पे निडल इंसर्ट कर रहे हैं फिफ्थ मेटाकार्पल के मिड पॉइंट पे। इसमें अगर आप देखें राइट साइड पे वेस्टस लैटरियलिस है, देन टिबियालिस इंटीरियर है, और लेफ्ट साइड पे फर्स्ट डॉर्सल इंट्रोशियाई है एंड देन बाइसेप्स। क्लिनिकल इम्प्लीकेशन देखें ईएमजी की, तो हम इसको डिफरेंट डिजीज में यूज कर रहे होते हैं, जिसमें न्यूरोजेनिक डिजीज है जो नर्व से रिलेटेड है, उसमें जिसमें पेरिफेरल नर्व्स, पॉलीन्यूरोपैथीज, मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर आ जाते हैं। देन मायोजेनिक डिसऑर्डर्स में मायोजेनिक यानी मसल से रिलेटेड मायोपैथीज, इन्फ्लेमेटरी मसल कॉन्ट्राइंडिकेशंस, बुक एंड कंडीशंस जिसमें आप नहीं यूज़ कर सकते हैं, फ्रैक्चर हो गया, मसल स्ट्रेन है, उसमें एक्यूट कंडीशन में तो आप यूज़ नहीं करेंगे। कोई एलर्जिक रिएक्शन है प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंट यूट्रस पे आप यूज़ नहीं करते। ब्लडर या वजाइनल इन्फेक्शन है तो या जेनिटल स्किन कंडीशन है तो उस एरिया में आप इसको यूज़ नहीं करें, या अभी भी सर्जरी हुई है, स्पेशली पेल्विक या रेक्टल सर्जरी हुई है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।